क्या था उस भजन के स्वर में जिसे सुनने के पश्चात मेरी निर्बल शरीर में भी स्फूर्ति आ गई। नहीं नहीं, ये प्रभाव भजन के स्वरों का नहीं है, ये तो भगवान विष्णु की कृपा है। प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि पिताजी की इच्छा पूर्ति तक मैं जीवित रह सकूं। घमंडी तो है परंतु अत्यंत चमत्कारी प्रतिभा का स्वामी है। उसके मुखारविंदु का तेज अनोखा है प्रजापति। मुझे तो वो बहुत ही असभ्य और बहुत ही अशिष्ट दिखाई दिया। उसका व्यवहार क्या होगा, उसका आचरण क्या होगा, ये उसके बात करने से ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कार्य तो वो हमारा ही कर रहा है। उसका आगमन हमारे लिए बहुत शुभ है। अब देखिए ना, उसके भजन के स्वर सती के कानों में पड़ते ही हमारी सती स्वस्थ हो उठी। आश्चर्य है स्वामी, वो आपकी पुत्री के साथ रहने की बात कर रहा है और आप उसका विरोध करने की जगह उससे प्रभावित हो रहे हैं। एक तुच्छ सा शिल्पकार आपको अपमानित कर रहा है और आप उसका यशोगान कर रहे हैं। पिताजी, सती रात भर पराए पुरुष के साथ रहे, ये भी तो संभव नहीं। जी पिताजी, ये उचित नहीं होगा। और वैसे भी पिताजी, सती का विवाह होने वाला है, वर पक्ष वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ये सब कार्य तो संदेश को रूपवान करने हेतु ही तो किया जा रहा है। उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, परंतु इस समय हमें सती के स्वास्थ्य पर भी विचार करना चाहिए। उसकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। इस अवस्था में प्रज्वलित दीप के समक्ष संपूर्ण रात्रि जागना यह अनुचित ही नहीं, निंदनीय भी है। महर्षि कश्यप, मत भूलिए, सती के स्वास्थ्य लाभ में जटा के भजन ने धन्वंतरी जैसा लाभ दिया है। जटा के कर्मठ और चमत्कारी श्रीजन को मैंने अपने सामने देखा है। एक माता की मृत पुत्री की सजीव प्रतिमा को केवल अपनी प्रतिभा शक्ति के आधार पर गढ़ना अलौकिक है, अलौकिक। वही सद्भीज की प्रतिमा को भी सती के मनोभाव के आधार पर ढालेंगे, इसमें अनुचित क्या है? जैसी आपकी इच्छा। सती,
पिताजी और माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें ये दिया लेकर उस शिल्पकार के पास चलना है। निर्णय लेना तुम्हारे हाथ में है सती। यदि तुम चाहो तो अब भी जाने से मना कर सकती हो। नहीं दीदी, पिताजी का निर्णय ही मेरा निर्णय है।